अस्सलामुअलैकुम, वेलकम, खुश आमदीद खवातीन हज़रात। मदर्स वीक, सो कॉल्ड मदर्स वीक अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। वैसे कितनी हैरानी की बात है कि हम 365 दिन में सिर्फ एक मदर्स डे मनाते थे, बट एटलीस्ट जहां मीडिया ने इतना हमारे पे एहसान किया है कि हमें एक दिन ऐसा इनायत करवा दिया है जिस दिन हम अपनी वालदा का शुक्रिया अदा करते हैं, उनको जब भी छपी पाते हैं उनको तोहफे देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कोई हक अदा करने की कोशिश करें, बट आई डोंट थिंक इवन डेसिमल 0.00000 सेकेंड्स का भी हम कोई हक अदा कर पाते हो। खवातीन हज़रात, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन मेरे लिए इसलिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज एक ऐसे इंसान है, एक ऐसी शख्सियत मेरे मेहमान है। इनकी ज़िंदगी का एक बहुत लंबी पोलिटिकल कैरियर है, बहुत लंबी जदोजहद की दास्तान है, विच वी विल नॉट डिस्कस टूडे, क्योंकि आज मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने हमें इतना ज़्यादा ऑनर किया है कि आज अपनी वालदा को लेकर हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है। मगर इससे पहले कि हम आपसे इनका फॉर्मली तारुफ करवाएं, मैं एक वाकया कोट करना चाहता हूं, शायद फारूक भाई को याद आ जाए, भाई को याद आ जाए। वो ये था कि आज से बहुत अरसा पहले, आई थिंक अबाउट अ फ्यू ईयर्स अगो, हम लोग दुबई की फ़्लाइट से आ रहे थे तो जहाज़ में एक बहुत बड़ी पोलिटिकल फिगर थी जिनको मैं देखा, और ये वो हैं जिनको देख के कोई मुस्कुराता भी है तो सलाम करके, विच इज़ वेरी अनयूजुअल इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। लोग इनसे जाके मिल रहे थे, इतने में इन्होंने देखा कि खातून हैं जो थोड़ी सी उम्र सीधा हैं और उनका बैग पड़ा हुआ था और वो बेचारी इस इंतज़ार में थी कि लोग जहाज़ से निकलें तो मैं आराम से अपना बैग लेके आराम आराम से जहाज़ से निकलूं बाहर जाऊं। भाई फ़ौरन पास गए, भाई ने बैग उठाया और वो खातून ने बाकायदा ऐसे रेसिप्रोकेट किया जैसे ये उनके ही साहबजादे हैं। हालांकि यूजली जब कोई पॉलिटिशियन पाकिस्तान में आके खातून तो खातून किसी मर्द से भी कोई चीज़ पकड़ने को कहते हैं, पॉइंट ठहर जाओ थोड़ी देर, ज़रा सानू मेहरबानी करो साढ़े दे। उसके बाद ये बाहर निकलें, इनका प्रोटोकॉल बाहर मौजूद था, लोगों ने इनसे बैग लेने की कोशिश की। आई रिक्वेस्टेड, आई सेड भाई ये बैग मुझे दे दीजिए, मैं नहीं, नो डोंट टेक दिस हैप्पीनेस फ्रॉम मी। इन्होंने बैग पकड़ा, ही मेड श्योर कि इन्होंने उन खातून को इमिग्रेशन क्रॉस करवाई, इन्होंने उसके बाद उनको हेल्प की उनका बाकी लगेज कलेक्ट करने में, इन्होंने बाहर जाके वो उनके साहबजादे के हवाले करके उसके बाद मुस्कुराते हुए ये चले गए वहाँ से। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी यूनिक इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। कोई और पॉलिटिशियन होते और कोई और खातून होती, वो जाने के बाद सबसे पहले बैग चेक करती, मगर उन्होंने मुस्कुरा के हज़ारों दुआएँ दे के इनको रुखसत किया। पाकिस्तान में एक बड़ा फेमस एड चलता है, वो ये है कि इजहार का सरिया, इजहार का लोहा सब मानते हैं, या हमारे पॉलिटिशियंस सरिये का इजहार करने को मानते हैं। खवातीन हज़रात, माई गेस्ट फॉर टुडे, व्हाट एन ऑनर, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ जॉय, जनाब फिर नाम लेने से पहले थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं, बट आइए चल के इनकी शोरील देखते हैं और वापसी पे आपकी इनसे और इनकी वालदा से, जिनकी वजह से, सिर्फ जिनकी वजह से ये आज यहाँ पर मौजूद हैं, इस मकाम पर हैं, इस रुतबे पर हैं और आपकी और बहुत सारे लोगों की खिदमत भी करें। द मैन, द वंडरफुल मैन, एंड हियर इज़ द शोरील। हमारा माशरा, हमारी इक्तार, हमारे रस्म और रिवाज और हमारा मज़हब हमें शायद इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि वालदैन का रुतबा दुनियावी रिश्तों में सबसे अफजल है। वो लोग जो माशरे में कोई मकाम रखते हैं सिर्फ वालदैन की तरबियत और दुआओं को ही उसका राज बताते हैं। हमारे आज के शो में शरीक मेहमान एक समाजी कारकुन, एक सियासी शख्सियत, कराची के साबिक मेयर डॉक्टर फारूक सत्तार, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनियर और पार्लिमानी लीडर भी हैं, आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं अपनी वालदा के हमरा। व्हाट एन ऑनर सर, व्हाट अ जॉय फारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज इतना सीरियस होकर ना बैठे, मुझे यूं लगता है वो कह रहे सीरियस होकर, आप इतना सीरियस होकर ना बैठे, मुझे लगता है मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है फिर मेरा काम होने वाला। अम्मा बहुत शुक्रिया, एक तो इसलिए कि आप मतलब फारूक भाई बता रहे थे कि कहीं जाती नहीं है ज्यादा, और दूसरा ये है कि हमारे लिए बहुत इज्जत और ऑनर है क्योंकि फारूक भाई को तो मतलब आजकल माशाल्लाह पॉलिटिकल शोज की वजह से हम फारूक भाई और इनके साथ के जितने पॉलिटिकल बड़े बड़े फिगर्स हैं उनको तो हम देखते रहते हैं, मगर बहुत कम, जैसे कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक खातून का हाथ होता है और वो बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके पीछे उनकी वालदा हो, तो क्या इनकी कामयाबी के पीछे आप हैं? बिल्कुल है, मैं इसकी बहुत ख्याल करती हूँ, वो मेरा ख्याल करता है। ये कैसे ख्याल करते हैं? ये मुझे बहुत चाहता है। अच्छा, पहले तो आके मुझे हंसाएगा। कैसे हंसाते? गुदगुदी करते हैं, गले लगाएगा और हंसाता है मुझे। फारूक भाई आप मुझे भी जाने से पहले गले लगा के हंसा के जाएंगे? गले लगाता है आकर आते ही मुझे। ओके, अम्मी अम्मी करके मुझे गले लगाएगा, अच्छी अच्छी बातें करके मुझे हंसाएगा, लतीफा बना के मुझे हंसाएगा, मेरे से बातें करके,
और फिर ऊपर जाता है। अच्छा, आपके कितने माशाल्लाह बच्चे हैं टोटल? मेरे 3 बेटियां, 1 बेटा। अरे माशाल्लाह, एक ही बेटे हैं? एक बेटा। ये सबसे बड़े हैं? बड़ी से छोटा। बड़ी से छोटा। अच्छा, जब अम्मा 3 बेटियों में एक बेटा हो, एक बेटा हो, तो यूजुअली वो भी बेटियों जैसे हो जाते हैं। ये तो माशाल्लाह बिल्कुल, ये देखे तो बिल्कुल एक्टिव है भाई। एक्टिव है फारूक भाई, एक्टिव इतना है कि क्या बताऊं मैं। जितना भी उसके काम का मुझे सब पूरा करता है भाई। वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान का वाह। कराची में जिस किसी को भी शिकायत हो, कोई उसे हो सके और कानूनी हो, वो जरूर उसको मदद करता है उसकी कानूनी काम में। अच्छा, कानूनी काम में मदद करता है? कानूनी काम हो, बहुत सारे लोग मना कर देता है। गैर कानूनी कोई बताए काम तो ना मना कर देता है। अच्छा, इसको ये आदत है। अच्छा, ये बचपन से आपको इनके अंदर एक सियासतदान नजर आता था? जैसे होता है ना, बचपन में बच्चों के पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। बचपन में हमें एक बुजुर्ग ने बताया था, इसके अब्बा ने, कि इसका मुस्तकबिल कैसा होगा। तो बोले इसके आसपास चौतरफ तो पुलिस आएंगे। एक बुजुर्ग ने बताया था, ये 2 साल का था ये। और एक बुजुर्ग ने बताया था इनके आसपास आगे पीछे हर तरफ पुलिस होगी, पुलिस होंगे, चाहे वो अरेस्ट करने के लिए आए, चाहे प्रोटोकॉल देने के लिए। अम्मा, गब्बर सिंह के सिक्योरिटी देने, गब्बर सिंह की वालदा को भी बताया था, वो शोले में जो थे। लेकिन ये तो अच्छी वाली पुलिस, यहाँ तो अच्छे वाला का। तो आप लोगों ने क्या सोचा कि आसपास पुलिस होगी तो उसका क्या मतलब है? तो वो मतलब ये कि बस खिदमत करता है, माशाल्लाह, जो काम उसके जिम्मे है वो पूरा करता है, जागता है, रात को 2 बजे सोया फिर भी 7 बजे 8 बजे उठ जाता है। ये तो इनका, और खास तौर पे हमारे लिए सोता नहीं है। अच्छा, ये लोरियां सुनाती थी इनको आप बचपन में? लोरियां? हाँ। कौन सी लोरी सुनते थे? जैसे हमारे जमाने में लोरी थी, हमारे में तो गुजराती बोलते तो सुनाए ना, गुजराती में लोरी सुना वो छेनामा सुनाए हम लोगों को। देखें अम्मा, पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है, पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, महाजर, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ ये 5, जब ये उंगलियां मिलती हैं तो एक मुट्ठी बनती है, और ये मुट्ठी पाकिस्तान है, तो हर जबान हमारी अपनी गुजरात। अब हमें लोरी सुनाए गुजराती में पहले। अच्छा, मैं सो जाऊं तो फिर फारूक भाई शो चलाएंगे आगे, सुनाए हम। मेरा सो जा मेरे बेटा, सो जा, और गुजराती में, गुजराती में अब याद नहीं होगा। अच्छा, कोई बात, भूल गई हूं तो मैं, भूल गई बचपन का। आप कैसे सुलाती हैं फिर इनको आप? अब तो मैं उसको कहती रहती हूँ कि भाई तू सो, नींद पूरी कर, अच्छी आराम से खाना खाए, और तेरे जान को भी संभाल तू भाई, कुछ टाइम तो आराम कर ले। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 7 दिन काम करना तेरी तबीयत के ऊपर असर पड़ता है। अच्छा, मैं कौन सी ऐसी ख्वाहिश है आपकी जो बहुत दिल से थी कि फारूक बड़े होके पूरा करें, वो कोई पूरी हुई ख्वाहिश आपकी? होएगी इंशाल्लाह। नहीं, वो कौन सी ख्वाहिश अभी होएगी? हाँ, होएगी। हाँ, कौन सी ख्वाहिश? बताए, वो जो पहले हुआ था ना जो, हाँ, वो अब दोबारा हो जाएगा इंशाल्लाह। फारूक भाई, अच्छा अच्छा, वो हो जाएगा, वो रीयूनियन का उम्मीद है, हो जाएगा इंशाल्लाह। इसे जायज रास्ता अल्लाह निकालेगा ना इंशाल्लाह, तो उसमें हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, रास्ता चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मैं, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, इनकी जिंदगी हर वक्त ये कांटों पर चलते रहते हैं, कभी सुकून नहीं है, कभी चैन नहीं है, फिर कराची के हालात ऐसे होते हैं। अच्छा, आम इंसान को घर से बाहर जाते हुए बहुत डर लगता है, ये तो फारूक सत्तार हैं जी, जाते हैं, डर लगा रहता है, खुदा ना खास्ता फोन पे चेक कर रही है कहाँ है क्या हो रहा है, तो फिर फिक्र तो होती है भाई, दुआ करती रहती हूँ बस। हाँ, बहुत दुआ करते हैं सबके लिए। अम्मा, ये आप जैसी माओं की दुआएं हैं, सबके लिए दुआ करती हूँ, इसके अकेले के लिए नहीं। हाँ, इसके बढ़कर माशाल्लाह सब मुतहदा वाले, उसके घर वाले, हमारे पड़ोसी और दूसरी पार्टी वाले, सबको अल्लाह मियाँ हिफाजत में रखे, अमनो अमान में रखे। अम्मा, खून का रंग तो एक ही है, अल्लाह मियाँ हिफाजत रखे, बिल्कुल ऐसे कुल पार्टी वालों को अल्लाह मोहब्बत दे आपस में, एक हो जाए, सुभान अल्लाह, एक होके काम करे बस। अच्छा अम्मा, सुना ये इनकी आवाज बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, ये सुबह रोजाना दुआ पढ़ के फूंक के जो है वो फूंकते हूँ मैं पढ़ के, इसको हिफाजत की आयतें, नजर की आयतें वो पढ़ के रोज फूंकती हूँ। अम्मा, ये आप जैसी और मेरे जैसी और हमारी सबकी वालदाओं की वजह से है कि गोरा पाकिस्तान में आता है वो कहता है यार ये फूंके बहुत हैं भाई। फूंकते हैं हम तो, पानी भी रखते हैं पड़ा हुआ अलहमद शरीफ का, माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहमद शरीफ में शिफा है।
माशाल्लाह वो पढ़ के दम करती हूँ, यासीन शरीफ पढ़ के दम करती हूँ, सुभानअल्लाह वो पानी पिलाते हैं, सुभानअल्लाह। तो वो पानी कोई बच जाता हो तो कोई और आए तो पिला देंगे, सब सब पी सकते हैं। नहीं अगर इनका बचा हुआ हम पी लें तो हमें भी आगे पी सकते हैं, आप सब पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते। हमारे घर काम करते हैं उसको भी मैं पिलाती हूँ। अच्छा मैं सुना ये बचपन में बड़े शरारती थे, शरारती था था ना ये, स्कूल से आता नहीं मुझे तो टाइम आ गया अल्लाह अभी आएगा तो वो क्या करेगा पहले तो मुझे मारेगा पहले तो मुझे मारेगा तंग करेगा, तीन चार थक्कल थप्पड़ लगा के मुझे हाँ। मैं आड़े हाथ दूं तो हाथ को मारेगा, फिर वो क्या करेगा ये तो पूरा हो गया मारने हाँ। का फिर चप्पल जूते तौलिए कपड़े सब नीचे फेंकेगा। हमारा सेकंड फ्लोर में मकान था माशाल्लाह फायर ब्रिगेड के इस तरफ मुजाहिद मस्जिद के पास, तो वो शरारत उसकी बहुत बुरी थी। फायर ब्रिगेड वाले तो छुट्टी के टाइम पे नीचे खड़े हो जाएंगे, तौलिया आया कपड़े आए सब फेंक देता। अम्मा ब्रेक आई मैं ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद आई तौलिया आया कपड़े आए। खौदीन आजाद बाय द वे हम आपको बताते चलें कि एंग्रो की तरफ से ये ऑलपर्स फूड की तरफ से हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं, हैबिट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है जो हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये फारूक भाई और अम्मा के लिए है, लेकिन ऑलपर्स के गिफ्ट हैम्पर्स आप ले सकते हैं। आप हमें कॉल करें, हम अम्मा और फारूक भाई के साथ अगर बहुत बिजी नहीं हो तो अपोलोजेटिकली हम आपकी कॉल लेंगे। आई एम वेटिंग फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज जो आप अपनी अम्मा को देंगे जिसके बाद आपको गिफ्ट हैम्पर्स मिल सकेगा। छोटी सी ब्रेक एट आज सुबह अली सलमान फारूक सत्तार साहब और उनकी वालदा, व्हाट एन ऑनर इज विद अस।